वारिस पंजाब दे मुखिया अमृतपाल सिंह की ओर से प्रभु यीशु पर टिप्पणी के बाद ईसाई भाईचारे की ओर से जालंधर में नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया, लेकिन देर रात तक पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समुदाय को इस बात के लिए राजी कर लिया गया कि वो धरना प्रदर्शन करें, लेकिन एक साइड पर स्टेज लगाकर। अब समुदाय द्वारा पीएपी ग्राउंड के सामने एक साइड पर स्टेज लगाई गई है और प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि हाईवे एक साइड से बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन को लेकर जितेंद्र मसीह गौरव ने कहा कि हमारा प्रदर्शन सिख भाईचारे के खिलाफ नहीं है, सिर्फ वारिस पंजाब के मुखिया अमृतपाल के खिलाफ है जिसने प्रभु यीशु पर विवादित टिप्पणी की है। आगे उन्होंने कहा कि उनके पास अधूरा ज्ञान है और अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। उन्होंने कहा कि अमृतपाल पर बनती कार्रवाई की जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो ईसाई भाईचारे की तरफ से मीटिंग करने के बाद बड़ा कदम उठाया जाएगा। देखिए जालंधर से हर्ष कुमार मेहरा की रिपोर्ट। हाँ जी सारण मेरे वालों जैम सिंह जी, मेरा नाम जितेंद्र मसीह गौरव है, मैं राष्ट्र मसीह समाज का नैशनल प्रेजिडेंट हाँ। अज तुम जो ये रोस मार्च देख रहे हो, पिछले दिनों के तुम पता होगा भी जोड़ा वो जोड़ा निर्बुद्धि जोड़ा जीव है वो की कहें उन्होंने वारस पंजाब जथेबंदी का जोड़ा प्रधान बनया फिर उन्होंने असं सुनेहा देना चाहते हैं भी परमेश्वर प्रभु यशु मसीह के बारे उन्हें टिप्पणी की है भी प्रभु जोड़े यशु मसीह ने वो अपने आप नूं बचा सके और तुहानूं किदां बचाउणगे। और मैं दसना चाहुंदा भी जिहड़ा अद्धा अधूरा ज्ञान हुंदा हानिकारक हुंदा वा। तुसीं पहला पूरी बाइबल पढ़ो, बाइबल दे विच देखो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिहड़े आ वो तीसरे दिन मुरदियां चों जी उठे और 40 दिन लोकां च जिहड़े आ मिलदे रहे फिरदे रहे, वो अज भी प्रभु यीशु मसीह जींदा वा। अज तुसीं सारे कहिंदे हो भी चर्च दे विच चमत्कार हुंदे ने, इह लंगड़ियां नूं चलाउंदे ने, अन्नियां नूं दिखाउंदे ने, मुरदे तक जिंदा हो जाते हैं, मुरदे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करन वाला जिंदा परमेश्वर है और अज भी जीवित है। देखो प्लैन साडा जिहड़ा वा राती प्रशासन दे नाल बैठ के मीटिंग हुई सी साडी, उन्होंने तो सानू इत्थों तक कहा कि तुसीं जिहड़ा धरना अज ना लाओ और तुहानू जिहड़ा वा असीं DGP साहब नाल मिलाउने आ और चीफ सैकटरी साहब नाल तुहाडी मीटिंग कराउने आ, मगर साडे जिहड़े लोकां दे विच रोस सी असीं कहा सी कि अपनी गल रखनी आ। अज असीं अपनी गल रखण लई असीं इत्थे जमा होए आ और बहुत वड्डी गिणती च इत्थे लोक आ रहे ने, जिदा अपने पंजाब दे 23 जिले आ, 23 जिलों तो लोग आ रहे हैं और असीं अपनी गल रखांगे। और क्योंकि ये संविधान जिहड़ा सानू अशांतमई तरीके दे नाल प्रोटेस्ट करन दा इजाजत दिंदा, असी संविधान दे विच रह के ही काम करांगे। गुरु जी किद्दां चलूगा प्रोटेस्ट सारा दिन या फिर की साडी रणनीति है? देखो जी अज साडियां सारियां जथेबंदियां इत्थे इकट्ठियां हो रहियां वा, जिन्हें पास्टर साहिबान ने जिन्हें लीडर साहिबान ने सारे इत्थे आ रहे ने, इत्थे बैठ के सारे नाल मीटिंग करके फिर अगली रणनीति जिहड़ी है तैयार की जाएगी। जेकर DGP साहब नाल गलबात नहीं करवाते फिर अगला कदम की? देखो साडा ये मोटिव नहीं कि DGP साहब नाल गलबात हो जाए जां चीफ सैकटरी साहब दे नाल गलबात हो जाए, सानू तो कार्रवाई चाहिए आ, वो अज कार्रवाई कर देन तो असी अज जिहड़ा वा शांतमई तरीके दे नाल अपने घरां च चल जाएंगे, कोई गलबात नहीं है। मगर जे कार्रवाई नहीं होएगी तो DGP साहब नाल बैठन दा जां चीफ सैकटरी साहब नाल बैठ के भी आइए, उन्होंने को उन्होंने इहो बेनती करनी आ भी साडे जिहड़े हिरदे जिहड़े वरुंदरे गए ने उन्होंने मलम पट्टी का काम किया जाए, यह शरारती आंसर ते जिहड़ा परचा दिता जाए और सानू जिहड़ा वा इंसाफ दिता जाए।